आ गई और एक नया ब्लॉग लेके आप लोगों के साथ बातें करने के लिए। तो अभी लेके आई हूँ तेल, थोड़ा बालों में तेल लगाऊंगी। दो तीन दिन से सोच रही हूँ बट टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसको थोड़ा हल्का गर्म करके लेके आई हूँ। तो अभी थोड़ा बालों में तेल लगाते लगाते आप लोगों के साथ बात करूंगी। तो आज मतलब अभी थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि दोपहर में तेल लगा रही हूँ, शाम हो चुकी है मतलब। तो मैं जनरली शाम के टाइम ही तेल लगाया करती हूँ मैं, और हेड बाथ लेती हूँ, मतलब शैम्पू वगैरह शाम के टाइम ही करती हूँ, वही मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगता है। और पीछे देखिए कैंडी बैठी है कैसे मेरे साथ, और ये उसका पीछे जो है ना, ये उसका घर है एक छोटा सा चुन्नू सा, और ये ब्लैक कलर का देख रहे हो ना, ये उसका बेड है जिसमें वो कभी नहीं सोती है। हम जब उसको लेके आए थे पता है इतनी छोटी सी थी ना, कि आने से पहले ही ना हमने ये बेड लिया था, तो इस बेड छोड़ के ना उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था ना तभी। तो हम लाके ना वो जो बेड पे रखे थे ना, उसके बाद से ना वो बेड पे ही कंटिन्यूअस थी, मतलब वहां से उतरे तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, कू 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 आवाज निकालती थी। बोलो उसको उधर इतना कंफर्ट फील होता था ना, बहुत एंजॉय करती थी अपने बेड को। तो अभी क्या हुआ है, अभी थोड़ी बड़ी हो जाने के बाद क्या हुआ है, उस बेड पे ना उसको गर्म लगता है, मतलब उसके बॉडी में इतने सारे हेयर्स है ना कि उसको लगता है कि मैं जमीन पे लेटूंगी ना तो मुझे थोड़ा ज्यादा ठंडी लगेगी, कंफर्ट होगा, ऐसा है। अब वो बेड बिल्कुल यूज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं पता है, ये जो गद्दा है ना इसको निकाल के थोड़ा साइड में रखते हैं, फिर भी कभी कभार अंदर सो जाती है, ऐसा है उसका। और उसका क्या है पता है, उसको ना आप उसके चीजों को अगर हाथ लगा लिया, मतलब अगर आप कुछ लाते हो ना उसको बोल दिए कि दिस इज योर्स, मतलब योर्स ही, मतलब उसको लेके आप कहीं नहीं जा सकते हो। ये उसका एक ब्लैंकेट था जो छोटा, मतलब हमारा ही था, उसको दे दिया था हमने। अभी ये ब्लैंकेट ना मैं यहाँ से मतलब किसी दिन वॉशिंग मशीन में धोने के लिए भी डालती हूँ ना, बस उसका दिमाग खराब हो जाता है। 10 बार बालकनी में जाती और सूंघती रहती है ऊपर जाके कि कहाँ हो मेरा कंबल, कहाँ गया मेरा कंबल, कहाँ गया, मतलब उसका हालत खराब है। उसके टॉयज, उसके हाउस और उसके बेड, उसको इंटैक्ट चाहिए, आप हाथ नहीं लगा सकते, उसको पता है कि ये मेरे चीजें हैं। तो मतलब इन लोगों को भी पता होता है कि इनकी चीजें क्या होता है। तो वही, तो अभी सोची कि बालों में थोड़ा तेल लगा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा बहुत काम है एक्चुअली, कपड़े सुखाना थोड़ा देना है, वो धोके रखी हूँ वॉशिंग मशीन में, उसको डालूंगी सुखाने दूंगी, उसके बाद थोड़ा एक्सरसाइज करना है, फिर हेड बाथ लूंगी, उसके बाद थोड़ा पूजा करूंगी, उसके बाद रात का डिनर। तो यही करते करते काफी टाइम हो जाएगा। तो तेल लगा लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा आशा करती हूँ। मेरे साथ रहिए और मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो चलिए मैं तब तक तेल लगा लेती हूँ, उसके बाद कपड़े जब सुखाने डालती हूँ ना तब मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तो चलिए तेल तो मैंने लगा लिया है, और एक अच्छा चीज आज आप लोगों को मैं शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत दिनों से जिस चीज का मुझे इंतजार है था, मतलब है नहीं था, तो मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी उसके लिए। बहुत दिन बोले तो हाँ मतलब 2 हफ्ता तो होगा ही शायद, 2-3 हफ्ता, मतलब चारों तरफ देख रही थी और मुझे तो लालच हो रहा था। तो आप लोगों के साथ भी उसको मैं शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं, आप मेरे साथ रहिए। थोड़ा बहुत मतलब मैं स्नान वान कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ठीक है चलिए अभी कपड़े सुखाने चलती हूँ। तो आ गई मैं, ये सब कपड़े उठाने, पहले यहाँ पे डाला हुआ था इसको उठा के रख लूंगी, उसके बाद ये देखिए गमले में लेके आई हूँ, ये सारे कपड़े मैं दे दूंगी। आज इतनी बारिश हुई है ना सुबह से, आप लोगों को क्या बताओ, उसके साथ इतनी हवा है, मतलब इसलिए ना मैंने दोपहर कपड़े सुखाने दिया ही नहीं, क्योंकि मतलब नहीं बनता ना, आप क्या करोगे फालतू में कपड़े सुखा के, वो सूखेगा ही नहीं। अभी फिर भी थोड़ा बारिश बंद हुआ है, थोड़ा ज्यादा हवा चल रहा है, तो मैं सोची दे देती हूँ, ताकि क्या होगा ना कि हवे से एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो सूख ही जाएगा। तो एवरीडे मैं थोड़ा बहुत देती रहती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत कपड़े तो हो ही जाता है हम तीनों का, तो मशीन थोड़ा बहुत एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज तो ऑन करना ही पड़ता है, तो उस हिसाब से चलता है। स्नान वान करके इसको फोल्ड कर लूंगी, तो देखिए खाली चलते हैं।
लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, कैंडी का प्लेइंग टाइम चल रहा है। ये देखिए ये गिरा है, इसको लेके अभी जाएगी वो, ये भाग गई उसको लेके। तो आज दोपहर एक्चुअली दाल सब्जी और चावल बनाई थी, थोड़ा दाल तो बच गया है, लेकिन रात को सभी को पास्ता खाने का आज मन है, देखते हैं क्या होता है। वैसे दाल अगर नहीं खाए तो फिर रख देंगे, कल यूज हो जाएगा, मतलब थोड़ा है, ज्यादा कुछ नहीं, बहुत ही कम क्वांटिटी में है। तो चलिए मैं थोड़ा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद स्नान करके मिलती हूँ आप लोगों के साथ मेरा सरप्राइज लेके। तो फ्रेंड्स आ गई मैं, स्नान करके शावर लेके आ गई हूँ। तो अभी आप लोगों को बताती हूँ जो मैं बताने वाली थी कि व्हाट इज़ द सरप्राइज। तो ये देखिए दिखाती हूँ, रुकिए। मैंगो एक्चुअली ना, मतलब इस बार पता नहीं किस वजह से मैंगो आने के लिए इतना लेट हुआ चारों तरफ। तो ये ना मैंने 2 वीक्स पहले, एक्चुअली 2 मंथ से ही वेट कर रही हूँ, तो 2 वीक्स पहले मैंने इसको ऑर्डर दिया था, तो अभी आज जाके उसने डिलीवरी किया मुझे। तो ये अल्फांसो है, तो मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब मैंगो के सीज़न में मैंगो नहीं खाया तो क्या बात है। तो जब डिलीवरी करके गए, अभी तक हमने मतलब थोड़ी देर पहले देखे गया है, तो जस्ट ऐसे ही रखी हूँ उसको, मुझे क्लीन करना है, उसके बाद सिर्फ आप लोगों को दिखाई, तो मतलब इसके बाद टेस्ट करना है। तो यही था आप लोगों के लिए सरप्राइज, जिसके लिए मैं 2 हफ्ते से वेट कर रही थी कि कब आएगा कब आएगा। तो जो भी हो, तो अभी करूँगी कैंडी का कोमिंग, उसके बाद जाऊँगी डिनर बनाने। तो उसका कोम करना तो हो गया, तो अभी चलेंगे डिनर बनाने के लिए। तो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ आज व्हाइट पास्ता रेसिपी। गैस तो ऑन कर ही दी हूँ मैं, ये मेरा व्हाइट सॉस बनाने का प्रिपरेशन चल रहा है। और एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ, मैं पानी में बॉईल करने से अच्छा है मैं इसको कुकर में बॉईल कर लेती हूँ। कुकर में पानी डाल के 2 सीटी लगा देती हूँ, बस हो जाता है पास्ता, बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। तो आप लोग अगर कोई मतलब ऐसे ट्राई कर सकते हो अगर चाहो तो, पास्ता बॉयल करने का प्रोसेस ऐसे, इंस्टेड ऑफ बॉयल करने से ऐसा भी हम कर सकते हैं। और थोड़ा बटर डालूं, अभी है मेरे पास मैदा, फ्लावर जिसे बोलते हैं ऑल पर्पज फ्लावर, इसको मैं दे दूंगी 1-2 टेबलस्पून के करीब। अभी इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने दूध थोड़ा गर्म करने के लिए रख दिया था, एक्चुअली ये ना दूध फ्रिज में था, तो ठंडा दूध तो मैं जनरली यूज नहीं करती हूँ, थोड़ा गर्म दूध ही देना पसंद करती हूँ, तो इसलिए थोड़ा गर्म हो जाए तो बस, तब तक ये भून लेती हूँ मैं। मतलब थोड़ा रेडिश कलर जैसा आएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा मिल्क ऐड कर देंगे इसमें, जिस क्वांटिटी में आपको मतलब ये चाहिए। अगर ड्राई ज़्यादा पसंद करते हो तो थोड़ा, अगर थोड़ा हमारे घर में थोड़ा लिक्विड टेक्सचर हम पसंद करते हैं तो थोड़ा, इसलिए ज़्यादा मिल्क। इसको अभी धीमे आंच में थोड़ी देर तक पकाती रहूंगी, ताकि वो मैदे का जो कच्चापन है वो भी चला जाएगा और अच्छे से व्हाइट सॉस भी बन जाएगा। ब्लैक पेपर, ये पिज्जा मिक्स मैं यूज कर, सॉरी दिस इज चिली फ्लेक्स, थोड़ा चिली फ्लेक्स कमी डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी पेपर पाउडर ऐड किया है। और ये पिज्जा मसाला, पिज्जा मिक्स जो नॉर्मली आपको मार्केट में तो मिल ही जाएगा,
से चीज क्यूब लिया है और हाफ। तो ये हो गया, अभी डालूंगी थोड़ा सॉल्ट। तो अभी देखिए ऐसा टेक्सचर बन गया है, इसको पूरा स्मूथ टेक्सचर है ये। अभी मैं इसमें, ये देखिए पूरा ऑलमोस्ट सूख गया है, तो मैं इसमें और थोड़ा ज्यादा मिल्क ऐड करूंगी और साथ में ऐड कर, इसको थोड़ा मिक्स करके साथ में ऐड करूंगी पास्ता। एक्चुअली चीज और बटर में काफी सारा सॉल्ट है, तो उस हिसाब से आपको डालना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं। अभी बाद में चाहिए तो हम ऐड कर सकते हैं, अभी फिलहाल मैंने कम ही डाली। तो अभी थोड़ी देर तक इसको पकाएंगे। आपके घर में हर टाइम जो मतलब बहुत सारा दूध ऐसे रहेगा ऐसी बात भी नहीं है, तो आप थोड़ा मिल्क थोड़ा हॉट वाटर भी मिक्स कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो इसको इससे अभी थोड़ा मिक्स करेंगे। अच्छा ये मुझे थोड़ा ज्यादा सूखा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा हॉट वाटर इसमें ऐड की, तो देखिए उसका कैसा लिक्विड टेक्सचर बन गया है। तो अभी मैं और थोड़ा ऊपर से डालूंगी आपका वो पेपर पाउडर कुटी हुई, और थोड़ा चिली फ्लेक्स ज्यादा नहीं, और पिज्जा मिक्स जो है वो थोड़ा बस। एक्चुअली बेसिल लीव रहा तो और भी अच्छा है, बट मेरे पास अभी नहीं है फिलहाल, तो यू कैन ऐड दिस ऑल्सो। तो चलिए बन गया पास्ता, तो अभी हम डिनर कर लेंगे यम्मी पास्ता से। तो अभी सर्व कर देती हूँ पास्ता को। तो मैं ये सर्व कर दी हूँ बेटी के लिए, उसके बाद हम भी लेंगे। कल और एक नया व्लॉग लेके आप लोगों के साथ मिलेंगे।